हेलो पीपल, वेलकम टू आवर चैनल हैवलॉक डायरीज। आज के एपिसोड में हम लोग जो बीच कवर करने वाले हैं, दैट इज द नेमो रीफ। बेसिकली ये बीच नहीं है, दिस इज द डाइव साइड एंड हैवलॉक। पर्टिकुलरली जितना भी स्कूबा होता है सब इसी रीफ में होता है। सो इट इज कॉल्ड द नेमो रीफ और द डाइविंग रीफ। एंड इसका एड्रेस है आपका गोविंद नगर में है ये, विच इज द बीच नंबर 2। सो दिस इज नयोमी एंड देर इज प्रशांत। लेट्स गो एंड सी क्या कर रहे हैं। दिस इज हिज वर्क प्लेस। सो एवरी मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उसको यहीं पे आना रहता है फॉर डूइंग द स्कूबा, बिकॉज आई डोंट नो, सबको पता है कि नहीं दैट ही इज एन स्कूबा इंस्ट्रक्टर। सो इसीलिए जस्ट बिकॉज ही इज एन इंस्ट्रक्टर, आज हम लोग आपको सिर्फ ये रीफ दिखाएंगे ही नहीं, बट वी आर गोइंग ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट स्कूबा, लाइक वॉट आर द थिंग्स यू शुड डू वेन यू आर गोइंग फॉर स्कूबा, what are the things you should keep in your mind when you're going for scuba. So there are around 10 to 15 points jiske bare mein hum log in further baat karenge, which is really going to be very helpful for you if you're planning for scuba and for havelock. So Naomi and my better half Prashant. Hi friends, welcome. And we have another guest, I don't know iska naam kya hai, ye hum log ke saath hi ghoom raha jab se hum log aaye. So yeah, this is the reef. I'll just hand over the camera to him. वो थोड़ा रीफ अच्छे से दिखा देगा। Okay friends, so this is my workplace. I love my workplace. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत beautiful है. I'm just waiting and dying कब मैं वापस पानी में उतरूंगा for the dive. And I hope you guys will be coming soon. So मैं आप लोगों को ये डाइव साइट दिखा रहा हूँ, एज नियोमी ने कहा है ये नेमो रीफ कहते हैं इसको। सो यहीं पे हम लोग आके डाइव करते हैं एंड लुक एट द व्यू, इट्स ब्यूटीफुल। द डाइव साइट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, इट्स प्रीटी ऑसम। सो ये यहाँ पे हम लोग डाइव करते हैं एंड वी गो फर्दर इन। अगर आप लोग को वीडियो में दिख रहा है वहाँ पे छोटा सा एक बोया है, वहाँ तक हम लोग जाते हैं फॉर द डाइव, और ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा डाइव साइट है, बहुत कुछ देखने के लिए है यहाँ पे। एंड देयर यू कैन सी द जेटी ओवर देयर। तो जेटी से बहुत ही पास है ये डाइव साइट, और यहीं पे ज़्यादातर जितने भी डाइव सेंटर्स है, जितने भी फेमस डाइव सेंटर्स है, सब आके यहीं पे डाइव करने आते हैं, एज इट इज़ अलॉटेड बाय द टूरिज्म एसोसिएशन। So it's a wonderful place. You can also come for snorkeling over here. जिन लोग को swimming आता है उन लोग आके यहाँ पे snorkeling कर सकते हैं। तो हम लोग snorkeling का भी थोड़ा spot दिखाएंगे, कहाँ से आप लोग snorkeling करने के लिए घुस सकते हैं। Okay friends, so मैंने आप लोग को नेमो दिखा दिया। यहाँ पे नेमो से, नेमो में घुसने के लिए there are two points. One is straight ahead, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो कम फ्रॉम दिस साइड। इस तरफ को मेरा डाइव सेंटर है और आप लोग यहाँ से भी आ सकते हैं। एंड वो अगर आप लोग थोड़ा आगे देख पा रहे हैं, वहाँ पे एक टी स्टॉल है, वहाँ पे आप लोग अपने रिफ्रेशमेंट्स, यू कैन हैव सम स्नैक्स। एंड एज आई टोल्ड यू, एज यू विल सी इन पार्ट 2 इन आर वीडियो, वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ हैव समथिंग बिफोर यू ईट, सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब सम स्नैक्स फ्रॉम देयर। एंड कोकोनट्स ट्रीज, एंड डेफिनेटली यू विल गेट कोकोनट्स हियर। सो डाइविंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड and that's the way for the snorkeling. Very near to the Nemo reef there are lots of mangroves that you can see, and as Havelock is also famous for mangroves, you can witness this and you can really take good pictures inside the mangroves, and you can explore this place very well. So I'm already inside this, and I'm sitting on this hammock
एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठे बैठे टाइम स्पेंड करना. ओके फ्रेंड्स, सो ये जगह मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जब गेस्ट नहीं रहते हैं तो जब हम लोग को थोड़ा फ्री टाइम रहता है या थोड़ा हम लोग ऐसे ही मतलब फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो हम लोगों ने ऐसा ऐसा ये सब बना के रखा है मैनग्रूव्स में. हम लोग इसी में बैठ के चिल मारते हैं, यहीं पे सो जाते हैं कभी कभी. तो जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग वापस उठ के अपने स्कूबा किट लेके हम लोग वापस पानी में चले आते हैं. हम लोग आप लोगों को जस्ट ये चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि हम लोग कैसे करके चिल मारते हैं हम लोग में. सो ओके, थोड़ा उठना पड़ेगा. लॉकडाउन में थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ, भारी हो गया हूँ. ओके, सो Isn't that wonderful? I love that. Okay, let's go ahead. मैं आप लोगों को स्नॉकलिंग का बोला था, वो स्नॉकलिंग का जगह आप लोगों को दिखाने चलते हैं. Let's go. So friends, very close from the reef, you can just walk down to your right. और आप लोग थोड़ा इधर जाएंगे तो आप लोगों को सामने ये जो छोटा सा बीच दिख रहा है, इस बीच के यहाँ से आप लोग जिसके पास स्नॉकल है, मास्क एंड स्नॉकल है और जिसको स्नॉकलिंग जाना है, आप लोग इस बीच के यहाँ से स्नॉकलिंग जा सकते हैं. और मैं इसलिए इस ये वाला बीच स्पेशली दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से स्नॉकलिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है और बहुत शैलो वाटर में ही आप लोगों को काफ़ी कोरल्स देखने को मिल जाएंगे. यू कैन ऑल्सो गो स्नॉकलिंग फ्रॉम द नीमो रीफ, बट देन यू हैव टू कम टूवर्ड्स दिस राइट साइड टू एक्सपीरियंस बेटर and see more corals in shallow waters. So as you can see, this is a beautiful place and jaise aap dekh rahe ho wo mangroves kitne shallow pani mein hai. So us liye yahan se snorkeling karne ke liye ghusna bahut hi mazedar hai aur easy hai. So here it is. फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए टू आर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. एंड प्लीज़ वॉच द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो. वील बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर यू गो फॉर स्कूबा डाइव. एंड इट वुड बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड दोज हू आर कमिंग फॉर स्कूबा डाइविंग. सो प्लीज़ वॉच इट. एंड टिल देन गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ.